राम, अब तो ये मुझे भी निकाल दो। सारी तैयारियां हो चुकी, कल से काम शुरू। अच्छा, कितने दिन लगेंगे सुरंग बनाने को? काट दिया। सुरंग बनाने को यही कोई 6-7 दिन में काम हो जाए। सुरंग निकाल कहां से रहे हो? बैरिक नंबर 9 के बराबर से। कहीं जेलर को पता ना चल जाए। किसी को कान और कान खबर नहीं होगी। आओ। बस हो गया। साहब। आओ हरिराम, क्या खबर लाए हो? साहब होशियार रहिए, जेल में सुरंग बनने वाली है। आओ, जेल में सुरंग? क्या कहा, हमारी जेल में सुरंग? यहाँ कैदी जेल में सुरंग बना रहे हैं। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर भाई। हमारी जेल में सुरंग? पिस्तौल यहाँ है, जरा भी हिलने की कोशिश की तो चले गए। चलो अपने दफ्तर। चलू कैसे, तुम लोगों ने हिलने को मना किया है। पहला ऑर्डर कैंसिल। चार
अंग्रेजों के जमाने के जेलर और इतनी घबराहट। पहले हिफाजत से हमें गेट तक छोड़कर आओ। दरवाजा खुलवाओ। जी सर। दरवाजा खोलो। यस सर। ये रही चाबी, ये रहा पिस्तौल। उन दोनों ने भागने की कोशिश तो की होगी ना? अरे कोशिश? ये थी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी। मगर मैं भागने दूँ तब ना, एक को दी मैंने पटखनी कि वो लंबू निकला भागने को। मैंने पकड़ के टांग तो खींची है कि जाते किधर वा, और कस के धो दिए लबाड़े कि चलो छाने। बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने। वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए? हाँ हाँ, मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो। अरे वो बदमाश है, मगर हमारा नाम भी तूरमा भोपाली ये भाई नहीं है। अब आप समझो कि पैर पका के दोनों रो दिए कि सूरमा भाई माफ कर दो। वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, ये तो स्टिक रखता हूँ। अब जो मेरे पिन फिन आई है तो जाना सुधाई कर दी, झटा झट बहुत मारा बहुत मारा। फिर क्या हुआ? बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा। क्या कहा? क्या कहा? हाँ, क्या कहा मैंने? हाँ, मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। अरे मियाँ, आप लोगों को और कोई काम है कि नहीं? दिन भर बैठे रहते हो और 25 झूठ हमसे बुलवाते हो। चलो हाँ काम करो। अरे जाओ भैया, जबरन झूठते रहते हो, जाओ। मैं तो ये सही मजाक कर रहा था। और हाँ, बहुत जल्दी आप दोनों की छूट हो गई जेल से। ये थे माशाल्लाह, तेहते मेहते तो बड़े मजे की करारी टन टन हो रही है। सूरमा भाई। हाँ भाई। हम अपने 1000 रुपए लेने आए। 1000 रुपए? हाँ हाँ, 1000 रुपए। अच्छा हाँ, 1000 रुपए। अरे वो तो आपकी गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन मिल गए थे। वो दिन है और आज का दिन है। लिफाफे में बांध कर जेब में धरे धरे फिर रहे हो। ये देखो 200 के 10 है, गिन लो। अच्छा सुरमा भाई, फिर मिलेंगे। मुझे इन्हीं दोनों की तलाश थी। कब तक इन दोनों की सजा खत्म हो जाएगी? अगले महीने की 18 तारीख को। संतरी साहब, एक बीड़ी पिलाइए। इंस्पेक्टर साहब, आज किसे जेल छोड़ने आए हैं? अब मैं इंस्पेक्टर नहीं, सिर्फ ठाकुर बलदेव सिंह हूं। क्यों, खतरों से खेलने का शौक छूट गया ठाकुर साहब? अपनी बहादुरी पर अगर इतना ही घमंड है तो एक काम करोगे मेरे लिए? हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। कितने चाहिए? 1000 हो तो इसकी फिक्र क्यों करते हो? कीमत जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूं। गब्बर सिंह, वो मशहूर डाकू? हाँ वही। सुना है उस पर तो पुलिस ने कुछ इनाम भी रखा है। 50,000 जिंदा या मुर्दा। तुम्हें उस डाकू को मेरे लिए पकड़ना है, जिंदा। गब्बर सिंह को पकड़ना है, वो भी जिंदा?
ठाकुर साहब, गब्बर सिंह कोई बकरी का बच्चा है जो दौड़े और पकड़ लिया? जानता हूं काम मुश्किल है, लेकिन आसान कामों के इतने पैसे नहीं दिए जाते। चलिए माना हमने अपनी जान पर खेल कर किसी तरह गब्बर सिंह को पकड़ भी लिया, आप चाहते हैं 20,000 में हम उसे आपके हवाले कर दें और आप घर बैठे 50,000 कमाएं? पुलिस का इनाम भी तुम्हीं को मिलेगा, मुझे सिर्फ गब्बर चाहिए। कोई पुरानी दुश्मनी? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं। तो कुछ और पूछें ठाकुर साहब, आपकी नजरों में हम भी तो चोर बदमाश हैं, फिर उस डाकू को पकड़ने के लिए आपने हम दोनों को क्यों चुना? इसलिए कि लोहा लोहे को काटता है। रामलाल, ये 5,000 हैं, दूसरे 5 जब तुम रामगढ़ आओगे, बाकी के काम खत्म होने के बाद। पार्टनर, क्या बोलता है? हेड, चलते हैं। टेल, नो। पहले ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। देखो, मुझे बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं, चलना है तो बोलो चलना है। अरे भाई, हमको तो चलना नहीं है। चलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब बसंती से कोई दुश्मनी तो नहीं हो जाएगी। तुम बाहर निकले तो मैंने सोचा कि तांगा करोगे तो पूछ लिया, अब कोई जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं। बैठे बैठे नहीं बैठे नहीं बैठे। अरे ये तो बसंती का तांगा है, किसी जमींदार की बेकारी थोड़ी है कि मर्जी न मर्जी करना ही पड़े। तो आज तो वही मिसाल हो गई कि हाँ चलिए, चलना है चलना है चलना है यार। हाँ हाँ तो आ जाओ, मैंने कब मना किया? देखो, मुझे बेफिजूल की बात करने की आदत तो है नहीं, इसलिए पहले इसे बोल देना अच्छा है। बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया, इसमें झिकझिक मत करना। बसंती जो बोल गई सो बोल गई। हाँ तो ठीक है, हम तो हाँ समझ गई। तो यही पूछोगे ना कि बसंती बेलापुर का 2 और रामगढ़ का 1.5 क्यों? तब पूछो कि तांगा किस गांव का है। पूछो पूछो। किस गांव का है जी? रामगढ़ का है। अच्छा, तो रामगढ़ का है। यूं कि देखने वाली बात ये भी है कि अगर हम बेलापुर की सवारी लें तो 2 चक्कर हो जाते हैं, यहां से बेलापुर, बेलापुर से रामगढ़, और अगर रामगढ़ गए तो समझो रामगढ़ गए, क्योंकि तांगा भी रामगढ़ का है और हम भी रामगढ़ के हैं। ये तो हुई हमारी बात, अब ये बताओ कि तुम कहाँ जाओगे? यूं के हम भी रामगढ़ ही जाएंगे। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया? यूं के वहाँ किसके घर जाना है ये तो बताना ही पड़ेगा कि बसंती उस घर को ले चलो, क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता कि तुमको जाना कहाँ है तो हम तांगा रोकेंगे कहाँ, और अगर हमने तांगा नहीं रोका तो तांगा रुकेगा कैसे? क्योंकि देखने वाली बात ये है कि तांगा चला कौन रहा है, तांगा हम चला रहे हैं, और अगर हम ही ये न जाने ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाना है। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया? तो फिर बोलो ना, ठाकुर साहब के घर जाना है। चाय खानो, क्योंकि ये तो वही मिसाल हो गए हैं। खैर तो आप समझो ये कि माँ बाप तो हमारे पहले ही से नहीं थे, और फिर मौसा के बाद मौसी और तांगे की जिम्मेदारी किस पर आ गई? हम पर आ गई। लोग हमसे ये भी कहते हैं कि बसंती लड़की होकर तांगा चलाती हो, तो हम उसका जवाब ये देते हैं, धन्नो घोड़ी होकर तांगा खेल सकती है तो बसंती लड़की होकर तांगा क्यों नहीं चला सकती? बोलो इसमें क्या बात है, शहर में भी तो लड़कियां मोटर गाड़ियां चलाती हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। रहने वाले शहर के हो लेकिन समझदार लगते हो, क्या नाम है? वीरू। तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, जब देखो बकबक 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 करता रहता है। क्योंकि हमने आपसे तो बात नहीं की थी,
लेकिन अगर हमसे ये पूछ ही लिया तो हम बताए देते हैं हमारा नाम बसंती है। पहली बार सुना ये नाम। बसंती बड़ा प्यारा नाम है। हमारा नाम बसंती क्यों रखा गया इसके पीछे भी एक बात है। क्या बात है बताओ बताओ। वह ये कि जब मैं छोटी सी थी तब मौसी के देवर की सास ने कहा क्या कहा बात करने की आदत ज्यादा है। ये रहा तुम्हारा 1.5 रुपया। क्योंकि तुम आदमी अच्छे हो इसलिए तुमसे पैसा तो लेना नहीं चाहिए लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या इसलिए हम ये 1.5 रुपया ले लेते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। चल धन्नो पलट। हाय क्या प्यारी बातें करती है। ले और ले खा खा के घोड़ी हो गई है लेकिन यहाँ से बेलापुर जाना हो तो नखरे देखो इनके खाए जाओ बकर बकर। ओ बसंती मौसी मैं यहाँ हूँ इस गधेया के पास। लो अब इनकी झिक झिक सुनो। अरे वो छोकरिया दिन भर हवा हवाई घूमती हो मगर मैं कोई काम बोलूँ तो जू नहीं रेंगती कान पर। लो और सुनो। अरे मौसी तुम तो बस हुक्का पानी लेकर चढ़ जाती हो सुनती तो हो नहीं। कौन सा काम कहा था तुमने वैद्य के पास जाने का ना तो मैं गई थी तुम्हारी दवा लाने के लिए वैद्य के पास अब वो थे नहीं तो मैं क्या करूं। पड़ोसी कह रहे थे कि वो बहुत बीमार हैं और दूसरे गांव गए हैं दवा दारू लाने के लिए। ओहो मैंने तो वैद्य का नाम भी नहीं लिया और तूने पूरी कथा सुना दी। तो फिर कौन सा काम कहा था। कच्चे आम लाने को नहीं कहा था अचार के लिए पर तुझे याद रहे तब ना। कच्चे आम हाँ खा तो था भी लाती हूँ। इमाम साहब मैं आपको छोड़ दूँ। कौन बसंती। हाँ। आज तू है कितने बरस हो गए मुझे इस गांव में तू तो पैदा भी नहीं हुई थी लेकिन आज तक मस्जिद की सीढ़ियां मैं बाद में उतरता हूँ कोई ना कोई सहारा पहले दे देता है। हाँ हाँ तो क्यों नहीं देगा सहारा क्योंकि ऐसा गांव में कौन है जो आपकी इज्जत नहीं करता हो। जो इज्जत करेगा जो मान देगा वो सहारा क्यों नहीं देगा। वो तो देगा सहारा क्योंकि देखने वाली बात ये भी है कि इतनी बकबक कर लेती है तो अहमद को समझाती क्यों नहीं तुझसे तो छोड़ा छोटा भी है उम्र में। क्योंकि हमें समझाना तो बहुत अच्छी तरह आता है इमाम साहब और आपके बेटे को भी समझा सकते हैं लेकिन देखने वाली बात ये है कि जब तक हमको ये नहीं मालूम हो कि हमें समझाना क्या है तो फिर हम समझाएंगे कैसे। अरे भाई अहमद का मामू जबलपुर में बीड़ी के कारखाने में मुलाजिम है 300 रुपया तनख्वाह है। अच्छा हाँ कितनी बार मुझे लिख चुका है अहमद मियाँ को यहाँ भेज दो अपने सेठ जी से कहकर दफ्तर में रखवा देंगे लेकिन ये अहमद है कि जाने को तैयार ही नहीं कहता है आप अकेले हो जाएंगे। कैसी हो दीदी। अरे भाई अहमद हम तो ठीक है लेकिन तुम ये बताओ एक तो तुम 10 जमात पास भी हो अंग्रेजी भी जानते हो और तुम्हारे जबलपुर के मामू ने लिख भी दिया है कि तुम भी आ गई अब्बा की बातों में जो मिलता है उसे यही कहते हैं। अरे भाई बसंती ने पूछा मैंने कह दिया। क्योंकि हमें बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं लेकिन सोच लो ये कारखाना बीड़ी का है जब तक दिल चाहा काम किया नहीं तो आराम से बीड़ी पी ली यानी कि ये तो वही मिसाल हो गई कि आम के आम गुटलियों के दाम। अरे क्या हुआ आम मैं तो फिर भूल गई थी कच्चे आम। कच्चे आम हाँ कच्चे आम अचार के लिए। अरे यूके तुम यहाँ कैसे। यूके यू ही बोलो कौन सा आम तोड़ना है। जो मैं आम बोलूं तुम गोली मारकर तोड़ सकते हो। ये हमारे बाएं हाथ का खेल है बड़े बड़े निशानेबाज हमारे पैर छूते हैं और कहते हैं वीरु तुम्हारे जैसा निशानेबाज पैदा नहीं हुआ। तुम तो बड़े निशानची लगते हो। हाँ जेम्स बॉन्ड के पोते हैं ये। यूके कौन है। अरे ऐसे तो ऐसे ही बड़बड़ करने की आदत है हाथ को बताओ कौन सा आम तोड़ूं।
एक वो, एक ये और एक ये। अरे ये तो तुम्हारा दोस्त भी। हाँ हाँ काफी होशियार है लड़का, अभी मैं सिखा रहा हूँ, जल्दी सीख जाएगा। तुम मुझे भी सिखा सकते हो? हाँ क्यों नहीं, तुम्हें भी सिखा सकता हूँ, तुम्हें तो मैं दो दिन में सिखा सकता हूँ। दो दिन में सिखाओगे? बहुतों को तो इन्होंने दो घंटे में सिखा दिया है। दो घंटे में? अरे इसकी तो आदत है बक बक करने की। तुम्हें पिस्तौल चलाना सीखना है ना, तो इधर आओ आओ आओ। वो आम नजर आ रहा है ना। हाँ अब पकड़ो पिस्तौल, पकड़ो और ये हाथ ऐसे 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 यहाँ, और ये उंगली यहाँ। हाँ और अब आंखें बंद कर लो। मैंने तो आंख पहले ही बंद कर रखी है। यूकी ये क्या कह रहा है? इसकी तो आदत है बक बक करने की। तुम आंखें बंद करो। बंद की? अब देखो वो आम नजर आ रहा है। यूकी अजीब बात कही तुमने, आंखें बंद करके आम दिखाई देता है क्या? तुमने क्या दोनों आंखें बंद कर ली? हाँ। दोनों नहीं, बाई आंख, ये आंख, ये आंख बंद करो और दूसरी आंख से निशाना बांधो। अब गोली चला दो। लग गया निशाना। यूं कि हम सीख तो रहे थे गोली चलाना, लेकिन अब हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल? काला? काली दाल? मैं समझा नहीं। मगर मैं समझ गई। ये तुम शहर के लोग समझते हो कि हम गांव वालों का असल तो है नहीं, लेकिन बसंती तुम जैसों को तांगे में बिठा कर गाँव के चार चक्कर लगा कर स्टेशन तक छोड़ कर आ गया। बसंती मैं तुम्हें पिस्तौल चलाना सिखा रहा था, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं अच्छी तरह समझती हूँ, अच्छी तरह समझती हूँ। अब तुम यहाँ बैठ कर चलाओ पिस्तौल, बसंती चले अपने घर। जय राम जी की। Thank you.